गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी, होप सब ठीक होंगे। गाइस आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ, आज कुछ रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो है नॉन वेज का फिश बनाऊंगी आज मैं। तो मैं ना कोई बैम्बू शूट डाल के बनाऊंगी, कुछ अलग स्टाइल से बनाऊंगी और वो मुझे बहुत 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 पसंद है। गाइस एक्चुअली वो रेसिपी जो है, मैंने एक फ्रेंड के घर गया था तो उसने मुझे वो बना के खिलाया था, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ, तो मैंने उससे रेसिपी पूछा कैसा बनाना है और मैं आज ट्राई करूँगी उसको और आप लोग को भी शेयर करूँगी। तो अगर आपको वो रेसिपी अच्छा लगा तो आप लोग भी घर पे बना सकता है, और वो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, घर पे जितना सामान अवेलेबल है उससे बना सकता है। तो गाइस आप लोग वीडियो को देखते रहना, और अगर आपको आज का ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और आप लोग ज़रूर घर पे भी ट्राई करना। तो चलते हैं और बनाते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमने मस्टर्ड ऑयल डाली है और उसके साथ हीट करके अभी चिली एंड ऑनियन को स्लाइस काट के उसमें डाल के अभी थोड़ा हल्दी डाल के फ्राई कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद ये वाला फिश बोल रही थी, ये वाला उसका नाम पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप लोग दे सकता है, कमेंट डाउन कीजिए। और टोमेटो को स्लाइस काट रही हूँ, अभी डाल रही हूँ। उसके बाद गार्लिक तो गाइस अभी मसाला डाला है यहाँ पे, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर फिर से, और गरम मसाला, जीरा पाउडर डाली हूँ, और ये मिक्स करना है। मिक्स इट वेल। सो गाइस मैंने अभी सल्ट डाली हूँ, नमक डाली हूँ और इसको मिक्स किया हूँ। अभी मैं टोमेटो डालूंगी, टोमेटो डाली हूँ, मिक्स करो। तो गाइस अभी मैं टोमेटो डाली हूँ और मिक्स कर रही हूँ। और गाइस पता है आज मैं दुकान गया था तो वहाँ पे नागालैंड का क्रीम चिली मिला, बहुत शुरू किया, और ये एक पीस में 20 रुपीज़, जस्ट इमेजिन। मेरा फैमिली मेम्बर्स, मम्मी, ये अच्छा है, शिजांग गाना है, मित्र, 1 piece 20 rupees। ये हमारा नागालैंड में 20 रुपये से चार मिलता है। तो अभी गाइस इसको थोड़ा बंद करती हूँ और लो फ्लेम में रखती हूँ 2 मिनट के लिए। तो अभी 2 मिनट हो गया तो मैंने फिश डाल दिया हूँ। तो ये कुछ अलग स्टाइल से बना रही हूँ आज, तो ये फिश सारा है। और घर वाला लोग, मेरा मम्मी लोग, अगर आप लोग को ये रेसिपी चाहिए तो आप लोग भी ये मेरा वीडियो देख देख के बना सकता है। सुबह अल्लाह बहुत ही टेस्टी है ये। इसको मैंने मिक्स कर दिया और फिर से ढक के रखना है ताकि पानी निकल जाए, पानी आ जाए। तो गाइस आफ्टर 5 मिनट्स ऐसा हुआ है, मैंने कुछ भी पानी नहीं डाला है, अपने आप से पानी आ गया है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते स्लोली आपको चलाना है, ज़्यादा कर लेगा तो ये टूट जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसको चलाया है और अभी थोड़ा पानी डालेंगे। वाओ लुक्स यम्मी। सो गाइस पानी इतना तक डाली हूँ देखिए, और ये 1 किलो का फिश है, 1 किलो फिश, और पानी इतना तक डाली हूँ। और इसको थोड़ा सा ड्राई करके इसको लास्ट में क्या डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स। तो इसको बंद करती है क्या ना? सो गाइस कुछ इस तरह है, मैंने जो आपको किंग चिली दिखाया था ऐसे काट के रख रही हूँ खाने खाते समय खाने के लिए। ओ लाला पक गया है और पानी भी थोड़ा कम हो गया, अभी कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। सो गाइस कोरिएंडर लीव्स डाल के 5 मिनट फिर से पकाया हूँ और रेडी हो गया आज का ये फिश करी, और ये बहुत ही डिलीशियस है। तो अभी मैं खाना खाने वाली हूँ, अभी मैं सर्व करने वाली हूँ। तो मैं अभी खाना खाऊंगी, थोड़ा सा आपको खा के दिखाऊंगी मुकबंग स्पीड में। तो मैं तो चल रही हूँ खाना खाने के लिए, आप लोग भी अगर ये बनाना है तो बनाइए और इंजॉय कीजिए घर पर।
चिकन फिश ऑयल फिश का तेल। ओ खिचड़ी